पाकिस्तानी ड्रोन के अफगानिस्तान के कुनार में टीटीपी ठिकानों पर हमले की खबर है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में तालिबान सरकार के तहत ये पहला ड्रोन हमला होगा। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक अच्छी बात ये रही कि पाकिस्तानी तालिबान नेता पर ड्रोन हमले में सफल नहीं हो पाए। वहीं तालिबान सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तानी तालिबान के सूत्रों ने गुरुवार को कहा कि एक ड्रोन हमले ने पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की सीमा के अंदर एक घर पर हमला किया। जाहिर तौर पर पाकिस्तानी तालिबान के एक वरिष्ठ सदस्य को निशाना बनाया गया, लेकिन मिसाइल विस्फोट विफल रही। इधर तालिबान के प्रवक्ता करीमी ने इस बात से इनकार किया है कि पाकिस्तान की ओर से रॉकेट हमले किए गए थे, लेकिन कुनार में तालिबान के अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि ड्रोन हमले हुए थे। चीनी ऑपरेटर उन्हें पाकिस्तान के लिए उड़ा रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में तालिबान के कब्जे के बाद अगस्त महीने के अंत में काबुल हवाई अड्डे पर एक आत्मघाती धमाका हुआ था, जिसके बाद अमेरिका ने ISISK के आतंकियों को निशाना बनाकर ड्रोन हमले किए थे। इस हमले में बच्चों सहित 10 नागरिकों की मृत्यु हो गई थी। अमेरिकी सेना के एक शीर्ष कमांडर ने इस हमले को एक गलती करार दिया था। सैन्य अधिकारियों ने कहा था कि यह हमला आपराधिक लापरवाही का नतीजा नहीं था। इस घटना की स्वतंत्र जांच का नेतृत्व करने वाले वायुसेना के महानिरीक्षक ने कहा कि ड्रोन स्ट्राइक में युद्ध के कानूनों का उल्लंघन नहीं किया गया। पेंटागन के नेताओं ने स्वीकार किया है कि भले ही अफगानिस्तान में उनकी सैन्य उपस्थिति खत्म हो गई है, लेकिन पेंटागन इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत यानी कि ISISK और अफगानिस्तान के भीतर अन्य के खिलाफ जरूरत पड़ने पर ड्रोन हमले करना जारी रखेगा। इसके अलावा हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर एक आत्मघाती हमलावर के हमले के कुछ ही दिनों बाद असफल ड्रोन हमला किया गया था। इस आत्मघाती हमले में 13 अमेरिकी सेवा सदस्य और कम से कम 170 अफगान नागरिक मारे गए थे। इसके बाद ही सैन्य अधिकारियों ने ड्रोन स्ट्राइक को मंजूरी दी थी। अधिकारियों का मानना था कि इस्लामिक स्टेट खुरासान द्वारा ये आत्मघाती हमला किया गया था। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देने का वादा किया है। हमारी इस खबर पर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।